प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आज हम एरियाज रिलेटेड टू ए सर्किल पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। प्रिय बच्चों, उसको समझने से पहले सर्किल क्या है इसको समझते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने हमसे कहा था कि सर सर्किल को पुनः रिपीट कीजिए। हम रिपीट कर रहे हैं। यहां पर है सर्किल। ये सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। ये सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल। प्रिय बच्चों, पहले इसकी हिंदी समझते हैं। एक वृत्त एक तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का कलेक्शन है, उन सभी बिंदुओं का संग्रह है जो एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। निश्चित दूरी को, फिक्स दूरी को हम सर्किल कहते, निश्चित दूरी को, फिक्स दूरी को वृत्त का जो है त्रिज्या कहा जाता है, इज कॉल्ड द रेडियस। एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ए सर्किल। और उस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्किल। उस फिक्स पॉइंट को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए, जैसे ये हमारा क्या है, प्लेन है। क्या है बच्चों, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये प्लेन है, कोई भी प्लेन हो वो बिंदुओं का क्या होता है बच्चों, कलेक्शन होता है। पॉइंट्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है ना। कोई भी प्लेन हो वो बिंदुओं का क्या होता है, कलेक्शन होता है। पॉइंटों का कलेक्शन होता है, पॉइंटों का संग्रह होता है। सभी पॉइंट इस तरह जो है प्लेन में स्थित होते हैं, ठीक है। लेकिन सर्किल की कंडीशन में क्या होता है बच्चों, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, प्लेन है। क्या है बच्चों, ये हमारा प्लेन है। सर्किल की कंडीशन में एक फिक्स पॉइंट होता है। क्या होता है बच्चों, फिक्स पॉइंट। मान लेते हैं ये फिक्स पॉइंट हमारा ओ है। ये क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है। और इस फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर एक अदर पॉइंट होता है, ठीक है, जिसे हम वेरिएबल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल पॉइंट बोलते हैं। जब ये वेरिएबल पॉइंट जो है मूव करता है, तो प्लेन के जितने भी पार्टिकल होते हैं, इस वेरिएबल पॉइंट के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा क्या बन जाता है बच्चों, एक पाथ बन जाता है। क्या बन जाता है, एक पाथ। ये जो पाथ निर्मित होता है, इस पाथ को तो हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। और ये जो पूरा फिगर निर्मित हो गया है, इस फिगर को हम क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं। समझ में आ गया, कोई परेशानी। सर्किल क्या होता है, सॉरी, कोई भी प्लेन होता है बच्चों, वो पॉइंटों का कलेक्शन होता है, वो पॉइंटों का संग्रह होता है। लेकिन सर्किल की कंडीशन में एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और अदर दूसरा पॉइंट जो है वेरिएबल पॉइंट होता है। तो वेरिएबल पॉइंट जब फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड मूव करता है,
तो सर्किल का फॉर्मेशन होता है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? ये बच्चा जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्किल, CENTRE, सेंटर ऑफ द सर्किल। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है बच्चों, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, क्या है ये? कांस्टेंट डिस्टेंस, यानी ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है CONSTANT, कांस्टेंट डिस्टेंस, भी बच्चों ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्किल। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, और ये जो कर्व फॉर्मेट होता है, ये जो कर्व बन रहा है ना, पॉइंटों से घिरा हुआ चारों तरफ, फिक्स्ड पॉइंट ओ के चारों तरफ पॉइंटों से घिरा हुआ जो कर्व बनता है, इस कर्व को बोलते हैं बच्चों सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, CIRCUMFERENCE, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए, इसको हम बच्चों पुनः रिपीट कर रहे हैं। एक वृत्त एक तल में उन सभी बिंदुओं का कलेक्शन है, उन सभी पॉइंटों का कलेक्शन है जो एक निश्चित बिंदु से एक स्थिर दूरी पर है। नियत दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है और फिक्स पॉइंट को वृत्त का जो है केंद्र कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? ए सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्किल एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? ओ यहां पर क्या है बच्चों, ये जो ओ पॉइंट है इसको बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, FIXED, इसी फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्किल। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्किल। क्लियर? अब इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चा? नो सर। बिठा दें? प्रिय बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है डिफिनेशन ऑफ वन रेडियन। ठीक है, वन रेडियन क्या है, वन रेडियन किसे कहते हैं, इसे हमें समझना है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। जैसे ये बच्चों हमारा क्या है? सर्किल है। क्या है बच्चों? ये सर्किल है। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? ये सर्किल का क्या है? सेंटर है। सेंटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से। यहां से यहां तक की दूरी जो है इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओए डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे बच्चों? रेडियस। ठीक है, एक हमने दूसरा ऐसे रेडियस ड्रा कर दिया, ये क्या है? वो भी रेडियस है ना। किसी भी सर्किल में रेडियस हमेशा क्या होते हैं बच्चों? सेम होते हैं। हैं? समझ में आ रहा है? इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस से सभी रेडियस की डिस्टेंस क्या होती है? सेम होती है। यहां पर जो AB फॉर्मेट हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? अर्थ।
क्या बोलेंगे? अर्क। इसको बोलते हैं अर्क, है ना। अब यदि जो है रेडियस, यदि जो है रेडियस आर ए डी, लेंथ ऑफ रेडियस, यहां पे बच्चों लिखते हैं लेंथ ऑफ रेडियस, एल ई एन जी टी एस, लेंथ ऑफ रेडियस, लेंथ ऑफ रेडियस, है ना, इक्वल टू, इसमें तो आ नहीं पा रहा, फिर से लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा, लेंथ ऑफ रेडियस एल ई एन जी टी एस, लेंथ ऑफ रेडियस, लेंथ ऑफ रेडियस इक्वल टू लेंथ ऑफ अर्थ, एल ई एन जी टी एस, लेंथ ऑफ अर्थ, ठीक है। किसी भी सर्किल में यदि रेडियस की लेंथ आर, आर की लेंथ ए बी के, क्या आर्क की लेंथ ए बी के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? इक्वल हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में सेंटर पर जो एंगल फॉर्मेड होता है, सेंटर पर जो एंगल फॉर्मेड होता है उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? वन रेडियन। क्या बोलेंगे बच्चों? वन रेडियन। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, क्लियर? एनी सर्किल, एनी सर्किल लेंथ ऑफ रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अर्क, देन फॉर्मेट द सेंट्रल एंगल इज कॉल्ड वन रेडियन। ठीक है बच्चों? yes, यहाँ पर जो एंगल फॉर्मेट हुआ थीटा, जिसे हम बोलते कहेंगे बी ओ ए, इस तब क्या होगा? वन रेडियन। क्या होगा बच्चों? वन रेडियन। यानी कहने का आशय यह है, किसी वृत्त में यदि अर्क की लंबाई वृत्त के रेडियस की लंबाई के बराबर हो, तो केंद्र पर जो कोण आंतरित होता है उस कोण को, वो कोण रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियन। इसमें लिखा गया है बच्चों, इन ए सर्किट इफ द लेंथ ऑफ द अर्क इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस, लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्किट, देन द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किट इज कॉल्ड वन रेडियन, इज कॉल्ड वन रेडियन। ठीक है बच्चों? yes, अब यहां पर कुछ चीजें हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे इसके बाद। प्रिय बच्चों इसको मिटा दे। yes, प्रिय बच्चों, रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन। अब यहां पर समझिए, ये हमारा क्या है बच्चों? सर्किल है। क्या है? सर्किल है, ठीक है। सर्किल का ये पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से। ठीक, ये हमारा ए बी यहां पर क्या है बच्चों? डायमीटर है। ठीक है, डायमीटर क्या करता है? सर्किल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, प्रत्येक पार्ट को हम सेमी सर्किल कहते हैं। तो ये यहां पर सेंटर एंगल बनेगा, ये सेंटर एंगल कितने का बनेगा बच्चों? 180 डिग्री का। कितने का बनेगा? 180 डिग्री का। ठीक है, अब यहां पर ये समझना है, सेंस 180 डिग्री इज इक्वल टू
पाई रेडियन कितने बराबर होता है? इक्वल टू पाई रेडियन कितने के बराबर होता है? पाई रेडियन के। ठीक है, ये इसको याद कर लीजिएगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर हम दूसरा सर्किल बना देते हैं बच्चों, ये ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेंट बन गया। ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का है ना। ओ ए बी पोर्शन, ओ ए बी पोर्शन में हम 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसमें? रेडियन में। ठीक है, यहां लिखेंगे, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, सेंस सेंस 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है बच्चों? पाई रेडियन के। देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 डिग्री रेडियन, यानी रेडियन क्यों हो गया? क्लियर, हमें किसको कन्वर्ट करना है? 90 डिग्री को। तो देयरफॉर 90 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 180 डिग्री इंटू 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आया? पाई बाई 2, यानी 90 डिग्री जो है किसके बराबर आएगा? पाई बाई 2 के। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़े बेटा इसको। यस सर। अब और एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए हमें 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, किस डिग्री को? 60 डिग्री को। यहाँ पे हम लिखेंगे सेंस सेंस 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन, देयरफॉर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं 60 डिग्री को, 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री इंटू 60 डिग्री है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आया 3, ये कितने बराबर हो गया? पाई बाई थ्री रेडियन। यूनिट क्या है? रेडियन, रेडियन इज द यूनिट। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब जैसे 30 डिग्री को कन्वर्ट करना हो, इसको नोट कर लिया? यस सर। उसे भी बताते हैं, जैसे 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, यहां लिखेंगे सेंस 180 डिग्री, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, पाई रेडियन। ठीक है बच्चों, देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाई 180 रेडियन। दिखाई पड़ रहा है? यस सर। देयरफॉर इसको कह रहे थे 30 डिग्री को, 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे? पाई बाई 180 डिग्री इंटू 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आएगा 6, ये क्या हो गया? पाई बाई 6 रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन। कोई प्रॉब्लम? इसी प्रकार मान लीजिए बच्चों हमें कन्वर्ट करना है किसको? 45 डिग्री को। यहां लिखेंगे सेंस 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, क्या लिखा? 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है,
therefore 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री इंटू 45 डिग्री। अब इसको इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ गया 4, यहाँ पर क्या आएगा 4, ये हो गया पाई बाई 4 रेडियन। ठीक है, इस तरह डिग्री को जो है रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। मिटा दे बच्चों? यस सर। नोट कर लिया? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक है टू फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल निकालना सीखेंगे। जैसे ये हमारा क्या है बच्चों, सर्किल है, क्या है, सर्किल है। ये सर्किल का क्या है, सेंटर है, क्या है, सेंटर है। ठीक है, ओ और ए बी, ठीक है, ये यहाँ पर ओ ए हमारी क्या है, रेडियस है, ये भी क्या है हमारी रेडियस है। इतना क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ये भी हमारा बेटा क्या है, आर्क है, क्या है, आर्क है। हम ये जानते हैं, यहां लिखेंगे वी नो दैट एंगल ए एन जी एन बी, एंगल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। प्रिय बच्चों, वी नो दैट एंगल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए तो इसमें क्या हो जाएगा, आर्क अगर हम निकालना चाहें तो आर्क आर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एंगल इंटू रेडियस। ठीक, समझ में आ रहा है ना? अभी जैसे मान लीजिए हम यहां पर ध्यान समझिएगा, अगर हम थीटा 30 डिग्री का लेते हैं, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, पाई बाई 6, क्या आएगा, पाई बाई 6। मान लीजिए ये एंगल हमारी जो है 30 डिग्री की है, कितनी डिग्री की है, 30 डिग्री का है। ठीक है, इसका अर्क हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, अर्क यानी अर्क ए बी फाइंड करना है, क्या करना है, अर्क ए बी। ठीक है, कैसे निकलेगा, तो एंगल एंगल हमारा कितना है बच्चों, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई 6, ये हो गया पाई बाई 6। और रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, ये क्या हो गया, पाई आर बाई 6, यानी लेंथ ऑफ अर्क ए बी हमने क्या फाइंड किया, पाई आर बाई 6। क्लियर? यस सर। अब एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, जैसे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, 45 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया था, क्या आया था, पाई बाई 4। ठीक, समझ में आ रहा है? यस सर। अब यहाँ पे हम दूसरा फिगर बना देते हैं 45 डिग्री के लिए। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक, ये हमारा क्या है, सर्किल है, क्या है बच्चों, सर्किल, ये सेंटर है, ये रेडियस है, मान लीजिए ये एंगल फॉर्मेट हो रहा है 45, ये ए है, ये बी है ना, और यहाँ पर थीटा जो है 45 डिग्री का है, तो हमें लेंथ ऑफ अर्थ फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ अर्थ। ठीक है, ध्यान समझिएगा, तो अब हम लेंथ ऑफ अर्थ निकालेंगे, अर्थ लेंथ ऑफ अर्थ, लेंथ ऑफ अर्थ ये भी निकालेंगे। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, देखो थीटा क्या होता है, पाई बाई 4, यहाँ क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 इंटू आर, रेडियस आर होता है, क्या हो गया,
पाई आर पाई फोर, ठीक है? यस सर। समझ में आया? परिमीटर ऑफ, ये परिमीटर हमने निकाल लिया 45 डिग्री का, क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। इस फिगर को हम मिटा रहे हैं, पुनः दूसरा फिगर बना रहे हैं। इसको ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर एंगल जो है हमारा एंगल कितने डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री का, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है? ये O है और ये A है और ये B। एसी कंडीशन में लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, एसी कंडीशन में लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, ठीक है? अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, थीटा इक्वल टू कितना है बच्चों, 90 डिग्री है ना। अगर हम 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई टू, ये जो आएगा पाई बाई टू। तो लेंथ ऑफ आर्क एल ई एन जी टी एस, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ अर्थ किसका निकाल रहे हैं, एबी का। लेंथ ऑफ अर्थ एबी क्या हो जाएगा बच्चों, वही फार्मूला, एंगल इनटू रेडियस। एंगल को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, यहां पर क्या लिखेंगे, पाई बाई टू इंटू आर, ये क्या हो गया बच्चों, पाई आर बाई टू, क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चों थीटा हमारी 180 डिग्री हो, ये कितने रेडियन के बराबर होगा, 90 में, हाँ 180 डिग्री का है तो ये कितने रेडियन के बराबर होगा, पाई रेडियन, अभी बताया था ना। तो अब एसी कंडीशन में मान लीजिए इस फिगर को मिटा दे रहे हैं, हमें लेंथ ऑफ आर्क एबी निकालना है। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, यहाँ पर थीटा एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का, कितने डिग्री का, 180 डिग्री का, यानी लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क ए बी कैसे हम फाइंड करें, तो इस फार्मूल यहां लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क ए बी। अब एसी कंडीशन में लेंथ ऑफ आर्क ए बी क्या होगा, एंगल इनटू रेडियस, एंगल हमारा क्या है बच्चों, पाई, रेडियस क्या है आर, है ना, तो क्या हो गया, पाई आर, ठीक है? इसीलिए सेमी परिमीटर ऑफ सेमी सर्किल इज पाई आर, इसीलिए होता है। समझ में आ गया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब नेक्स्ट टॉपिक और समझिए, यदि थीटा बराबर हमारा अगर हो, अगर थीटा बराबर क्या हो, 270 डिग्री हो, कितना डिग्री का हो बच्चों, 270 डिग्री, तब जो है रेडियन की, रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, देखिए 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है बच्चों, पाई बाई 180 रेडियन, यही होता है। Here for 270 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180 डिग्री इंटू 270 डिग्री, इसको कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है? इसको काटिए, कैसे कटेगा, हैं? 3 से काटिए, 3 6 जा 18 यानी 60 डिग्री, और ये हैं 3 9 जा है ना 90 डिग्री, फिर काटिए, इससे इससे कटेगा, 3 से 3 2 जा 20 डिग्री, और ये किससे काटे हैं, 3 से 3 काटे हैं ना, 3 3 जा यानी 3 3 जा 90 डिग्री है ना, तो 0। अब अगले स्टेप में क्या आएगा, 30 डिग्री बाई 20 डिग्री, 0 डिग्री 0, ये क्या आया, 3 बाई 2, क्या आया, 3/2 यानी 3π/2, ये तो आएगा रेडियन। अब इसका निकालेंगे, इसका फिगर भी बना दे रहे हैं, इसको बता दे,
फिर से चेक कर लीजिए, 270 डिग्री पर क्या आएगा, 3 पाई बाई 2, यही आएगा ना। प्रिय बच्चों, यदि यदि एंगल 270 डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 3 पाई बाई 2 रेडियन में आएगा। एसी कंडीशन में लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे। देखिए ये हमारा ये बटा क्या है, सर्किल है, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालना है, किसका निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। एंगल यहां से यहां तक मूव होगा 270 डिग्री, यानी लेंथ ऑफ आर्क क्या निकालना है, ए ओ बी सी, यानी 270 डिग्री का लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। कितने एंगल का लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, 270 डिग्री का, है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क नाम लिखेंगे, लेंथ ऑफ आर्क क्या है, आर्क की पूरी लंबाई ए ओ बी सी, ए ओ बी सी, इस पूरे आर्क की लंबाई निकालेंगे। क्या होगा यहां पर, एंगल इनटू रेडियस, एंगल कितना है, 3 पाई ना, 3 पाई बाई 2 इनटू आर, तो लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा बच्चों 3 पाई आर बाई 2। क्लियर, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़े, बिठा दे। अब इसी प्रकार हम बच्चों निकालेंगे क्या, अगर एंगल 360 डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का, यानी इस पूरे अर्क का हम लेंथ निकालेंगे। जब इस पूरे अर्क का हम लेंथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, सर्कमफेरेंस के, ठीक है। तो कितने अर्क हैं, यानी एक अर्क OA, दूसरा अर्क OB, तीसरा अर्क OC, चौथा अर्क ACA, इन सबको मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, हैं, टोटल लेंथ ऑफ अर्क क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ अर्क। देखो यहां पर पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए, TOTAL, टोटल लेंथ, LEN GTL, टोटल लेंथ ऑफ आर्क, टोटल लेंथ ऑफ आर्क मतलब हुआ क्या हो गया, एक अर्क OA भी शामिल होगा, फिर दूसरा अर्क OB भी बच्चों शामिल होगा, तीसरा अर्क OA OB और तीसरा अर्क क्या शामिल होगा, BC, और चौथा अर्क क्या शामिल होगा, CA। ये सभी अर्क मिला करके सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, हैं, सेंटर जो इसका O है, इस O सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का, हैं। तो टोटल लेंथ ऑफ अर्क, टोटल लेंथ ऑफ अर्क क्या हो गया, यहां पे देखो टोटल लेंथ ऑफ अर्क किसके बराबर हो गया, लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस, ठीक है, किसके बराबर हो गया, हाँ, या परिमीटर ऑफ द सर्किल, है ना। तो ये हो गया सर्कमफेरेंस, सी आई आर सी यू एम एफ ई आर ई एन सी ई, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस इक्वल टू क्या होता है, एंगल इनटू रेडियस, है ना। तो यहां पर थीटा, थीटा इक्वल टू कितना है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, पूरे लेंथ ऑफ आर्क मिल करके सर्कमफेरेंस बना देंगे। थीटा इक्वल टू कितना है, इफ थीटा इक्वल टू 360 डिग्री, है ना,
360 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 2 पाई है ना, या कन्वर्ट करके देख लो। चूंकि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 180 रेडियन, यही होता है पाई बाई 180 रेडियन, समझ में आ रहा है। यहाँ पे कितने डिग्री है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 360 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 180 डिग्री इंटू 360 डिग्री, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये वनजा होगा, ये टूजा होगा, ठीक है, बराबर कितना आ गया 2 पाई रेडियन, कितने के बराबर आया 2 पाई रेडियन, दिखाई पड़ रहा है हैं? यस सर, 2 पाई रेडियन दिखाई पड़ रहा है, यस सर। क्या और ऊपर लिख दे, देख दीजिए, देखो यहाँ पे इसको समझो, चूंकि चलो पुनः 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पाई रेडियन, कितने बराबर होता है बच्चों पाई रेडियन, सिंस डियर फोर 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन, कितना आएगा पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। यहां पर कितना डिग्री है 360 डिग्री, 360 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई बाई 180 डिग्री इंटू 360 डिग्री है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये वन जाएगा, ये टू जा होगा, ठीक है, कितने बराबर हो गया 2 का जो है पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, कितना क्लियर, कोई प्रॉब्लम, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़े। तो सरकमफेरेंस निकाले हैं, टू फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, हेडिंग ये पूरा लगा, टू फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, ऑफ सर्किल, ठीक है, कितना क्लियर, यस सर, बिठा दे इसको, यस सर। और इस सर्किल की रेडियस क्या है, आर ही तो है, क्या होता है एंगल इनटू रेडियस, यानी थीटा इक्वल टू 360 की मीनिंग क्या हो गई 2 पाई, क्या हो गई 2 पाई, और हम क्या निकालेंगे इंप्लाइज दैट लेंथ, लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस सी आई आर सी यू एम एफ ई आर ई एन क्या होगा एंगल कितना है बच्चों 2 पाई, हमने रेडियन में कन्वर्ट किया ना, ये कितना आया 2 पाई, और रेडियस क्या है आर से रिप्रेजेंट है, हैं? तो क्या आ गया 2 पाई आर, क्लियर, कितना आया 2 पाई आर। यही कारण है कि सर्कमफेरेंस हमेशा क्या होता है बच्चों 2 पाई आर के बराबर, क्या होता है 2 पाई आर के, ये कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई प्रॉब्लम नोट कीजिए। बिठा दे, प्रिय बच्चों यूज एंट्री मेथड, यानी एक एक नियम का प्रयोग करते हुए टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर को निकालेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर को कैसे फाइंड होगा एंट्री मेथड, यानी एक एक नियम के द्वारा एरिया ऑफ सेक्टर को निकालना सीखेंगे, ठीक है। ये बच्चों हमारा क्या है सर्किल है, ये सर्किल का क्या है सी पॉइंट है, ठीक है,
ये सर्किल का ओ पॉइंट, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल और ए बी, यानी ये जो फिगर बना है ये सेंटर पर थीटा एंगल जनरेट कर रहा है। तो हम इस सेक्टर का, इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर, क्या बोलते हैं बच्चों, सेक्टर। और ये कैसा सेक्टर है, माइनर सेक्टर है, एम आई एन ओ आर, माइनर सेक्टर। ठीक, एंट्री मेथड का प्रयोग करते हुए ये जो पूरा सेक्टर है ए ओ बी, इसका हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। क्लियर? यस सर। देखिए बच्चों, याद अभी जो हमने इसके पीछे बताया उसी को हम यूज करेंगे, लिखेंगे नंबर वन, चूंकि सेंस व्हेन द एंगल, सेंस देखिए, when the angle, when the angle, ठीक है, of the center, of the center, when the angle of the center is 360 डिग्री, कितने डिग्री, 360 डिग्री, देन द एरिया ऑफ सेक्टर, देन द एरिया ऑफ सेक्टर इज, कितना होता था बच्चों, पाई आर स्क्वायर, ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये चूंकि आप दूसरी कंडीशन, व्हेन द एंगल, व्हेन द एंगल ऑफ द सेंटर, ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज 1 डिग्री, कितने डिग्री का बच्चों, 1 डिग्री, ठीक है, देन द एरिया ऑफ सेक्टर, देन द एरिया ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री, यही होगा बाई 360 डिग्री, डिग्री से डिवाइड हो जाएगा। तीसरी कंडीशन, व्हेन द एरिया ऑफ, व्हेन द एंगल, सॉरी क्या लिखेंगे बच्चों, व्हेन द एंगल, व्हेन द एंगल ऑफ द सेंटर, कहां किस सेंटर में, ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज थीटा, ठीक है, देन द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, कौन, ए ओ बी, समझ में आ रहा है, यहां पर हम लिख देते हैं सी, ए ओ बी सी ए, यहां पे आ जाएगा ए ओ बी सी ए, यानी इस सेक्टर का एरिया हमें निकालना, क्या हो जाएगा, इसी पे पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू, यहां हम क्या कर देंगे, थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ गया बच्चों, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360।
है ना, समझ में आया? यस सर। अल्ट्री मेथड से एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी सी बी सी ए फाइंड हो जाता है इस फार्मूले से। ये फार्मूला बन गया बाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब हम बच्चों अंट्री मेथड यानी एक एक नियम से परिमीटर हैं परिमीटर ऑफ सेक्टर फाइंड करना सीखेंगे। बिठा दे इसको। यस सर। प्रिय बच्चों यूज अंट्री मेथड टू फाइंड द लेंथ ऑफ अर्थ। ये भी एक एक नियम से इसको भी सॉल्व करेंगे लिखेंगे। When the angle at the center is when the angle at the center is 360 degree। ठीक है। When the angle at the center is 360 degree, then the length, then the length of the earth. कितना होता है बच्चों? 2 pi होता है 360 डिग्री पर 2 पाई आर होता है। इसके पहले भी हमने बताया है। ठीक है। सिंस डियर फोर वेन द एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्किल सेंटर इज 360 डिग्री नहीं 1 degree। क्या निकालेंगे बच्चों? फिर इज 1 degree। ठीक है। yes, sir. फिर आएगा देन। प्रिय बच्चों वेन द एंगल एट द सेंटर इज 1 degree देन द लेंथ ऑफ द अर्क। ठीक है। दिखाई पड़ रहा है देन द लेंथ ऑफ अर्क क्या हो जाएगा? 2 pi r बाई 360 degree। क्लियर? फिर बच्चों तीसरी कंडीशन When the angle at the center मतलब सर्किल से When the angle at the center is theta degree and then length of arc है कौन सा अर्क बनेगा बच्चों? ए सी बी। ठीक है। कितना हो जाएगा? ये 2 pi r बाई 360 degree इंटू थीटा। तो ये फार्मूला हो गया बच्चों 2 pi r theta बाई 360 degree है ना। इस फार्मूले का यूज करेंगे तो लेंथ ऑफ अर्थ ए सी बी फाइंड हो जाएगा। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। बिठा दे। यस सर।
अब एक टॉपिक और रह गया है लास्ट, उसे भी बता देते हैं बच्चों, फिर इसके बाद कल से क्या करेंगे, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? Yes, प्रिय बच्चों लास्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर GIAMET रिलेशन बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर, ठीक है? प्रिय बच्चों यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ये आप सब जो है 6th-7th में पढ़े होंगे, we know that the circumference of a circle, the circumference of a circle, has a constant ratio to its perimeter, ठीक है? यानी हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है, पढ़ा है ना? ठीक है, यानी ये देखिए, जैसे ये है सर्कमफेरेंस CIRCUMFERENCE, ठीक है, सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर DIAMET, क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है, CONSTANT, ठीक, समझ में आया? यानी सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक, समझ में आ रहा? तो ये जो कांस्टेंट है इसको हम किससे डिनोट करते हैं? पाई से। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? पाई से, ठीक है, समझ में आया? ये पाई जो है यूनानी अक्षर है, कौन सा अक्षर है? यूनानी अक्षर, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसी कंडीशन में अगर हम देखें तो सर्कमफेरेंस क्या आ जाएगा? CIRCUMFERENCE, सर्कमफेरेंस इक्वल टू आ जाएगा पाई इंटू डायमीटर, क्या हुआ बच्चों? पाई इंटू डायमीटर DIAMET, पाई इंटू डायमीटर, क्लियर? हम बच्चों जानते हैं ये कांस्टेंट होता है पाई, डायमीटर आपने पढ़ा होगा क्या? 2R के बराबर होता है, हैं? रेडियस का डबल क्या होता है बच्चों? डायमीटर होता है, ठीक? तो सर्कमफेरेंस सी निकल करके आया क्या? 2πr, क्या निकल करके आया? 2πr,
अब एक चीज और यहाँ पे जानना है, द वैल्यू ऑफ पाई, द वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। अपने यहाँ के एक गणितज्ञ थे, उनका नाम क्या था, हैं, आर्यभट्ट। क्या नाम था बच्चों? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने जो है पाई का मान बताया था कितना, 6.2832 डिवाइडेड बाई 2.1020304 इतने के बराबर बताया था। उसके बाद उन्होंने साल किया था, इसका मान निकाला था 3.14 है 16। पाई की वैल्यू उन्होंने किसने बताया था, ये आर्यभट्ट ने, किसने बताया था इसको, आर्यभट्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। उनका नाम भी लिख दे रहे हैं, आर्यभट्ट, ARYABHATTA, आर्यभट्ट ने इतना बताया था, समझ में आया, कोई परेशानी। और पाई का मान, पाई का मान जो है ये मेजर किया जाता है, पाई इक्वल टू 22/7 या 3.14 है ना, समझ में आ रहा है। यस सर। इतना नोट कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम, ये स्टेटमेंट बच्चों आपको याद कर लेना है ना। वी नो दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल हैज ए कांस्टेंट रेशियो टू इट्स परिघ मीटर, टू इट्स परिघ मीटर, यानी वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है। क्लियर? नोट कर लिया? प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल होगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम एरिया रिलेटेड टू ए सर्किल पर बेस्ड क्वेश्चंस की जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका हृदय से धन्यवाद।